हे हाय, सो दिस इज चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये चैप्टर हम केवल एनसीईआरटी के लेवल पे करेंगे और हिंदी में करेंगे। अब ये जो शुरुआती चैप्टर हैं क्लास 11th के, उन शुरुआती चैप्टर्स में बच्चों को ज़्यादातर दो तरीके की समस्याएं रहती हैं। पहली समस्या तो कि ये कि उनको लगता है कि ये जो चैप्टर्स हैं बड़े ही याद करने में ख़तरनाक हैं, ये हार्ड टू रिमेंबर चैप्टर्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, तो नई चीज़ें, तो लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, आई डोंट नॉट नो, बट हाँ मैं आपको एक अलग नज़रिया ज़रूर इसके लिए देना चाहूँगा कि आखिर ये चीज़ें आपको लग रहा है कि ऐसा है मगर ऐसा है नहीं, और अगर इसका एग्जांपल क्या है, चलिए देखते हैं। आप मान लीजिए कि जैसे कि क्रिकेट है, इंडिया में क्रिकेट को आपको आप इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से खेला जाता है, बहुत अच्छे से देखा जाता है। ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद है। और क्यों पसंद है, क्योंकि क्रिकेट गेम में आपको मज़ा आ रहा है देखते हैं। चलिए इसको शुरुआत करते हैं यहाँ से कि मान लीजिए कि क्रिकेट में और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आखिर सिमिलैरिटीज़ क्या है। अगर आपको क्रिकेट को एंजॉय करना है, आपको पता है कि एक ग्राउंड में खेला जाता है, सेंटर में ये जो एक येलो कलर की पट्टी सी दिख रही है आपको, ये पिच को डिनोट करता है कि यहाँ पर मैच खेला जाएगा, यहाँ पर बैट्समैन खड़े होते हैं। और जब क्रिकेट की कमेंट्री को आप एंजॉय करना चाहते हैं, जब सिद्धू के मस्त मस्त और रवि शास्त्री के इन लोगों की जब कमेंट्री को आप जो एंजॉय करना चाहते हैं, आप किस तरीके से एंजॉय करते हैं कि बैट्समैन ने थर्ड मैन की ओर ये जो है बॉल को खेल दिया है, तो आपको पता है कि ये थर्ड मैन क्या चीज़ है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर विकेट कीपर खड़ा है, विकेट कीपर ने कैच छोड़ी या नहीं, उसके बाद स्क्वायर लेग की तरफ ही बॉल को मोड़ दिया गया, चौका मार दिया गया, या मिड ऑफ की तरफ छक्का मार दिया गया। ये सारी के सारे चीज़ या जब ये कमेंट्री हो रही होती है क्रिकेट की, आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो बात आती है टर्मिनोलॉजीज़ पे कि आपको टर्मिनोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी चीज़ को इन्जॉय करना चाहते हैं तो। और यही चीज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर भी अप्लाई होती है। अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, क्या ये न्यूट्रिशन में आता है, तो आप इसको और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जो अब आपको बोरिंग लगता है, क्रिकेट को आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा दीजिए जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है, पहली बार देखेगा तो वो बिल्कुल भी क्रिकेट को पसंद नहीं करेगा। और इसके बाद जितने भी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर होते हैं उनको अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाता है, वो अलग अलग टीम्स के लिए खेलते हैं, सभी जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर हैं मान लीजिए जितने, और सो ऑल प्लेयर्स इन डिफरेंट टीम्स, देखिए जितने भी हैं अलग अलग टीम्स में खेलते हैं। और वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ खेल रहे हैं, वो सारे के सारे खेल रहे हैं इन 5 किंगडम्स में, वो एग्जिस्ट करते हैं इन 5 किंगडम्स में। अब एक अगर आप किसी टीम को उठा करके देखेंगे तो उस टीम के अंदर आपको मिलेंगे उसके 11 प्लेयर्स, है ना। और ये जो 11 प्लेयर्स होते हैं, जिसी सेम तरीके से आप किसी एक किंगडम को उठा लीजिए, उसके अंदर आपको उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। आप कुछ एक इन प्लेयर्स के समूह को अगर उठाएंगे तो पता चलेगा कि ये बॉल डालते हैं ज़्यादातर, और इनको बॉलर कहा जाता है। और इसके बाद एक समूह को बोलेंगे कि ये लोग बल्लेबाजी करते हैं, इन्हें बैट्समैन कहा जाता है, और इनमें से एक विकेट कीपर भी होता है। अब इसी तरीके से आपको क्या कहा जा सकता है, एक ग्रुप बना सकते हैं आप। एक ग्रुप मान लीजिए वो कहा जाता है आपका फोटोट्रॉफिक, एक ग्रुप आ जाएगा आपका ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक ही होते हैं, मगर ये जस्ट टू कंक्लूड द आइडिया कि हाँ कि अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं आप। कोई भी क्लासिफिकेशन का बेसिस ले लीजिए, क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही तो है, तो वही आप कर रहे हैं। आप जो बल्ले से खेल सकते हैं उनको बैट्समैन बोलते हैं, जो बॉल अच्छी फेंक सकते हैं उनको बॉलर बोलते हैं। एक क्राइटेरिया है, जो क्लोरोप्लास्ट का इस्तेमाल करके अपना खाना बहुत एफिशिएंटली बना सकते हैं वो फोटोट्रॉफिंग है, वही यह सेम चीज़ है, क्राइटेरिया है। तो ये जो आप, आई होप कि आप इस तरीके से एटलीस्ट इस बात को तो समझ पाएंगे कि आप इस चैप्टर को छोड़े नहीं केवल इस भरोसे पे कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ, कि मैं जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि रटना आपको उस कंडीशन में पड़ेगा जब तक आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज और वो किस तरीके से एक्ट करता है वो आपको पता नहीं है। जितना ज़्यादा आप पढ़ते चले जाएंगे थोड़े समय के बाद आपको उतना ज़्यादा इसमें इन्जॉयमेंट आने लगेगा। अब एक विकेट कीपर मान लीजिए, विकेट कीपर है तो धोनी है। अब धोनी हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक टीम प्लेयर है, एक प्लेयर है, उस प्लेयर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो धोनी क्या होते, काम है,
धोनी के कैप्टन हैं, फिनिशर हैं, उनकी भूमिका ज़्यादातर खेल को ख़त्म करने की रहती है। अब ये उसी तरीके से आप किसी भी एक बैक्टीरिया, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म्स को उठा लीजिए, वो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए लैक्टोबैसिलस ले लिया। अब लैक्टोबैसिलस के अपने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे क्या, कि भाई वो रॉड शेप होता है, दूसरा वो प्रोकैरियोट होता है, तीसरा क्या कि वो जो आपका मिल्क है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये इसी तरीके से उसके फीचर्स हैं। तो प्लीज़ डू नॉट से, मैंने बहुत बच्चों को ये बोलते हुए और देख करते हुए देखा है कि वो ये शुरुआती चैप्टर को सीरियसली नहीं लेते, बोलते हैं कि ये रटने वाले हैं, हम इसको नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम दैट यू आर अवॉइडिंग इट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की। जी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जस्ट टू गिव यू दिस आइडिया दैट इंडीड यू आर सपोज टू इट, क्या आपको ये करना है। ओके आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ यू सी अ न्यू ऑर्गेनिज्म हाउ विल यू टेल समबडी लाइक व्हाट हैव यू सीन, कि आपने आप किसी नए ऑर्गेनिज्म को देखा आपने और उसके बाद और वो ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो गया, तो आप किसी और को किस तरीके से बताएंगे कि आपने क्या देखा था। आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे कि उससे मिलता जुलता कौन सी चीज़ थी। आप बोलेंगे कि इसके बदन पर पूरे बाल थे, तो ये या तो और बाल किस तरीके थे, जैसे कि चिंपैंसी के होते हैं या गोरिल्ला के होते हैं, उस तरीके के बाल थे। तो ये सेम एग्जांपल है, जब बहुत साल पहले की बात है कि दिल्ली में जब काला बंदर का खौफ फैला था, तो काला बंदर को लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक अफवाह थी, और लोगों ने क्या किया, उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया और उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर न्यूज़ चैनल्स ने उसकी तस्वीरें बनाना भी शुरू कर दिया। कोई बोलता था कि वो बिजली छोड़ सकता है, उसी तरीके से जैसे जैसे आप बताते जाएंगे वैसे वैसे वो उस चीज़ को बनाता चलता जाएगा। सेम यही चीज़ हुई आपके शुरुआती समय में। चलिए देखते हैं कि सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन, जब से आपका सिविलाइजेशन शुरू हुआ, देर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आप अपने चारों तरफ जिंदा चीज़ें देखते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनको कैटेगरीज में डालने के लिए कई सारे कोशिशें हुई। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, आपके अंदर का जो मतलब आ रहा है कि ओ ये उड़ रहा है इसको मैं बर्ड में डाल देता हूँ, ये तैर रहा है तो ये फिशेज में डाल देते हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा। तो इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली एंड नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, साइंटिफिक क्राइटेरियाज नहीं लिए गए। आज की डेट में आप जानते हैं कि बैट, चमगादड़ जो होता है, डॉल्फिन और ह्यूमन, ये तीनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि है मैमिलिया। बट अगर आप देखें इनकी केवल देखने में किस तरीके की, बैट तो उड़ता है, डॉल्फिन तैरती है, हम चलते हैं, तो इस तरीके से आपको कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन शुरुआती भाई एटलीस्ट शुरुआत करने के लिए ये शुरू हो गया, लोगों ने शुरुआत करना क्लासीफाई करना चीज़ों को शुरू कर दिया। बट इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। अब बस ये हमने इसलिए किया कि हमारी इसमें थोड़ी बहुत मदद हो रही थी, हम बता सकते थे कि हाँ ये बैल है, ये दूध देते हैं, ये वाले जानवर जो होते हैं गोट, और इसको आप गाय को एक साथ रख देंगे, बोल क्यों भाई ये दूध देते हैं, भाई हमारे काम का है। तो हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार उन चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया, किस किस के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, क्लोदिंग के लिए। ओके, एरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन, उन्होंने शुरुआत की किसी साइंटिफिक बेसिस में कि आखिर चीज़ों को क्लासीफाई किस तरीके से किया जाए। ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने देखने से शुरुआत की, देखिए अगर आप देखने में किसी तरीके से सिमिलर हैं तो ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से देखने वाला, जो आप बाहर से देख सकते हैं, अंदर वाला क्या होता है एनाटमी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासीफाई प्लांट्स, प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, उन्होंने बोला जी जो धरती पर उग रहे हैं ना, ये जो घास वास टाइप के हैं उनको बोल देते हैं हर्ब्स। ओके, धनिया घास और ये सब जो हो गए ये हर्ब्स हो गए, जिसमें थोड़ा सा बुशेज आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है जिसमें, वो उनको हम डाल देंगे शर्ब्स में, और उसके ऊपर थोड़ा सा जो साइज़ बढ़ेगा जिसमें तना अच्छे से दिखता है उसको ट्रीज़ में। तो इस तरीके से उन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया। उन्होंने एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड किया कि जिनके अंदर रेड ब्लड बाय, जिनका जो खून है लाल रंग का दिख रहा है वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे, और जिनका खून लाल नहीं दिखता है वो एक दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये थे एरिस्टोटल जिन्होंने शुरुआत ही की। ओके ओके, एंड आफ्टर दैट कि अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो उसके अंदर के व्हाट वर द इनिशियल स्टेप्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, कि शुरुआती स्टेप्स क्या रहे, कि आखिर किस तरीके से शुरुआत में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। लिनस उसके बाद आए, लिनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन शुरुआत किया, और जो कि लोग चूंकि लोगों की समझ में आसानी से आ रहा था, उनको पता चल रहा था कि हाँ ये तो हरा दिखता है और चलता फिरता भी नहीं है,
और लेकिन जिंदा है तो इसको प्लांट में डाल देता है। ये चलता फिरता है, घूमता फिरता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है, पेड़ से खा लेता है, तो एनिमल्स में आ गए। तो बेसिकली टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने बना दिया। वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। ओके भाई, सारे प्लांटे में प्लांट आ गए, एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए। दिस सिस्टम वॉज यूज वेरी रिसेंटली और काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता रहा। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। ऑब्वियसली बात है कि भाई आज की तारीख में अपने आज के जिस तरीके से अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं हमें, अगर उनको देखा जाए तो, क्योंकि दोनों आज की डेट में मल्टीसेल्यूलर हैं आज की तारीख में, प्लांटे और एनिमेलिया, मगर देखा जाए तो ये ना तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कोई अंतर कर पा रहे थे, ना ही यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में कोई अंतर कर पा रहे थे, ना ही फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई अंतर कर पा रहे थे। कि ये सारी चीज़ें उठा के, एक तरफ से उठा के आपका इन दोनों में ही डाल दी गई थी, कोई अंतर नहीं था, क्लासिफिकेशन का कोई और अच्छा बेसिस नहीं था, मगर शुरुआत करने के लिए, ओके, शुरुआत करने के लिए की जा सकती थी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। भाई आसानी से की जा सकती थी, आसानी से समझी जा सकती थी, तो काफ़ी समय तक चला भी। इन स्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू द आइदर ऑफ द कैटेगरी। जो हमने अभी देखा कि अगर आपको मान लीजिए फंगस, जो आज की डेट में आप जानते हैं कि अपना खाना खुद नहीं बनाती है और चूंकि इधर उधर नहीं घूम सकती है, तो घूम नहीं सकती है तो प्लांट की तरह, और सेल वॉल भी है इसमें, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि खाना अपना खुद नहीं बना सकती, तो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो एक चीज़ जो ना तो प्लांट में आ रही है ना एनिमल में आ रही है, तो ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ कुछ और भी बनाया जाए, और यही हुआ आगे चल करके भी। अब अगला चीज़ जो रहता है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन हो सकता है, वाई व्हाट मेथड क्लासिफिकेशन कीप चेंजिंग, वाई, कि शुरुआत की हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया उठाया, उससे क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर आगे बढ़े हमने कि थोड़ा कुछ क्राइटेरियाज उठाए, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। आखिर ये जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो रुक क्यों नहीं रहा है? कोई भी आता है अपनी मर्जी से, कुछ भी क्राइटेरिया लेता है, नए तरीके की कैटेगरीज बना देता है और आगे चलता बनता है, तो क्या कब तक चलेगा ये सब? तो शुरुआत में आखिर इसलिए हुआ क्योंकि जो सोफिस्टिकेशन था, सोफिस्टिकेशन एज इन कि नई नई तरीके की ऑब्जर्वेशन होने लगी, जैसे कि फंगाई में हमने देखा कि फंगस के अंदर दोनों तरीके के करेक्टरिस्टिक्स थे, तो ऑब्जर्वेशन की वजह से ये सब चीज़ें चेंज क्यों हो रहे थे। अब उसके बाद नए नए एडवांसमेंट एज इन वॉट, कि मान लीजिए कि हम बाहर से, पहले तो हम बाहर से देखते थे ना चीज़ों को, उसके बाद पता चला कि हाँ अंदर से भी चीज़ें किसी कुछ होती हैं, उसको एनाटॉमी बोला जाता है, कि एनाटॉमी के बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो भाई एनाटॉमी माइक्रोस्कोपी, नए नए तरीके के माइक्रोस्कोप आए, अब उससे पता चल रहा था कि क्या एक जो सेल जो कि यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा है वो बैक्टीरिया से किस तरीके से अलग है, ये दोनों सेम तो नहीं है। भाई जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी आई, माइक्रोस्कोपी ने क्या बताया, बोला कि ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोटिस्ट या अमीबा से मेल नहीं खाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और प्रोटिस्टा में नहीं होती है। तो वहाँ से नई नई, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे आपके क्राइटेरियाज भी धीरे धीरे चेंज होते गए। अब बात आती है कि आखिर ये बात अब रुकेगी कहाँ पर? कोई चीज़ किसी से कितना मेल खाती है और कोई किसी चीज़ से कितना दूर है, ये आखिर इसका कोई तो एक ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, एक फाइनल चीज़ होनी चाहिए कि हाँ जिसके बेसिस पे बोला जा सके हाँ यही तो चीज़ है। तो वो आखिर चीज़ आई थी सीक्वेंसिंग के टाइम पर, और आज हम क्या करते हैं, हम आज सीक्वेंसिंग के बेसिस पर, और ज़्यादातर हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसेस, उसके रीजंस भी आगे जाके देखेंगे, लेकिन अब सीक्वेंसेस के बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता है। अगर आप मान लीजिए कई सौ साल पहले एक नए ऑर्गेनिजम्स को देखते तो आप क्या करते, अब उसको क्या कैसे दिख रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करते। आज की तारीख में अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से दिख रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, आपको उसके कुछ सेल्स लेने, उस सेल्स से उसका डीएनए निकालना है, उसको सीक्वेंस करके देखना है, और आप आज की डेट में उस डीएनए के सीक्वेंस से ये बता सकते हैं कि आखिर ये कब प्रेजेंट था, क्यों है, किससे ज़्यादा रिलेशन रखता है, किससे दूर का रिलेशन रखता है, सब कुछ आप केवल और केवल सीक्वेंस से बता सकते हैं आज की डेट में। तो यहाँ जाकर ये चीज़ ख़त्म हुई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ ख़त्म हुई है। हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें इसको यहाँ नहीं ख़त्म किया गया है, सीक्वेंसिंग के बारे में, क्योंकि बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक होती है, जो कि लेटेस्ट चीज़ होती है उतना जल्दी टेक्स्ट बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंसिंग आज की रेट में वो फाइनल डेस्टिनेशन है जिसकी बेसिस पर आप क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को। तो चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको लीनेज पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से बनते हुए आ रही हैं।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट इजी था, करना कोई परेशानी वाली बात नहीं थी. अब हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, और वो इनएडिक्वेट भी साबित हुई क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो दोनों के फंक्शंस शो कर, दोनों के सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही थी. A need was also felt including beside gross morphology other characteristics. क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने अदर दूसरे characteristics को appreciate करना शुरू किया, तो उन्हें लगा नहीं यार morphology तो काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए. Like what? Cell structure. उसका cell किस तरीके का, यही हमने देखा कि जैसे ही cell by microscopy आई आपने उसका cell का structure देखना शुरू किया, आपको पता चला नहीं नहीं इसके अंदर तो nucleus है, इसके अंदर nucleus नहीं है, आपका अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये दोनों एक 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 यूनिसेल्युलर है बट एक कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते, दोनों के फंक्शन, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, अलग अलग तरीके से दिखते हैं. नेचर ऑफ वॉल, किस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है केवल, किस में किस तरीके की, फंगस में आपका काइटिन का सेल वॉल होता है. चिंता मत कीजिए, मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, जितने भी एग्जांपल है, और इसीलिए ये एक वन ऑफ द कारण है कि लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा टीडियस लगता है, क्योंकि वो जो चीज़ें पढ़ते जाते हैं उन्होंने करना तो कभी उसके बारे में सुना है तो वो उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ को पढ़ेंगे. तो ना तो सेल स्ट्रक्चर सेम है, नहीं नेचर ऑफ वॉल, के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल मिल रही है, प्लांट्स में सेल्युलोज की सेल वॉल मिल रही है, फंगस में काइटिन की सेल वॉल मिल रही है, तो ये उसके वॉल के नेचर पे भी उसको क्लासिफाई किया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरीके का न्यूट्रिशन है, क्या वो अपना खाना खुद बना सकता है, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, क्या वो दूसरे पे निर्भर करता है खाने के लिए, क्या वो हेटरोट्रॉफिक है, और इस तरीके से कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट रहता कहाँ पर है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये है आपकी आखिरी टर्मिनोलॉजी जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इवोल्यूशन में इनका क्या रिलेशनशिप है. हमारे लोग कहते हैं ना कि भाई एक अमूमन आपको एक अधूरी जानकारी पूरे सच से ज़्यादा खतरनाक होती है, तो जिन लोगों को साइंस का बेसिक हल्का फुल्का आइडिया होता है तो वो अगर जैसे मान लीजिए डार्विन की जो सिलेक्शन थ्योरी उसको डिस्कार्ड करना है, उसको बोलते हैं ना कि आदमी बंदर से आया है ना, और बोलते हैं कि अगर आदमी बंदर से आया है तो क्या नाम है, बंदर क्यों नहीं बोल सकता, तो ये सारे मेथड गलत हैं. आदमी बंदर से नहीं आया है, आदमी और बंदर दोनों ही किसी एक चीज़ से आए हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है. तो यही चीज़ कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आखिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता क्या है, मतलब आपका जो पूर्वज हैं फोर फादर्स हैं वो कौन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन रखते थे. क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस, और यही रीज़न है कि ये जो आपका क्यों आखिर क्लासिफिकेशन के जो बेसिस थे वो चेंज होते रहते हैं. दो वरन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स. The understanding of the of what group organism be included under these kingdom have been changing. और इसी यही वजह रही कि लोग धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को इंटरप्रेट किया, चीज़ें पता की कि ये चीज़ किस तरीके से इस चीज़ से अलग है, और उसी तरीके से चीज़ें आज भी बदली जा रही हैं, और ये ongoing प्रोसेस है, कभी रुकने वाला नहीं है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर. चलिए ये देखते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में. मान लीजिए प्लैनेट अर्थ प्रेजेंट था, प्लैनेट अर्थ पे आपका बिग बैंग के बाद आपका प्लैनेट अर्थ बना है, और इस प्लैनेट पर अभी कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं करती है. तो पानी था, पानी के अलावा इसका एक एनवायरनमेंट था, आपका बादल वगैरह थे, बादलों से बिजली कड़कती थी, और अगर बिजली कड़की तो बिजली एक आपका आसान सा तरीका है, एनर्जी सोर्स बन सकता है. आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके की गैसेस मिलती थी, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, या अलग अलग तरीके की गैसेस एनवायरनमेंट में मौजूद थी. इन गैसेस ने एक दूसरे से इंटरेक्शन करना शुरू किया, क्यों, क्योंकि एनर्जी मिल रही थी कहाँ से, ये लाइटनिंग से एनर्जी मिल रही थी, और ये बन गए सारे के सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके बने होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, इन्हीं से मिलके बने होते हैं, और इसी से आपका किसका जन्म होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो लिविंग बींग्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक फाउंडेशन है वो इन एटम्स का बना हुआ, और उसी चीज़ को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं.
अब क्या देखा गया कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहला सेल बना। अब पहले सेल के अंदर कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स थे, वो बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या रहे कि एक सेल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होनी चाहिए जो कि चाहे कोई भी हो, लिविंग हो, नॉट लिविंग बट लिविंग तो होगा ही, कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, प्लांट से हो, एनिमल से, कुछ भी हो, ये चीज़ नहीं, ये एटलीस्ट ये चीज़ें तो हर सेल में होनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें थी भाई? सबसे पहले तो प्रोटीन बनाने का मशीनरी होनी चाहिए, और उस मशीनरी को कहा जाता है राइबोसोम। अब राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम खुद डीएनए और आरएनए का, आपका प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है, तो वो प्रोटीन्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है कहीं रखी होगी, और वो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटेरियल पे, तो जेनेटिक मटेरियल भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपकी मौजूद होनी चाहिए वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाकी चीज़ों से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग करता है। तो ये चीज़ें तो कुछ ऐसी हैं, तीन चीज़ें एटलीस्ट ऐसी हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी। तो क्या चीज़ सामने आई कि ये जो सेल, पहली जो ऑर्गेनिक सेल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो पहली सेल बनी वो सिंगल सेल थी, मतलब यूनिसेलुलर थी, और इसके अलावा वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, मतलब कि प्रो आ रहा है प्रिमिटिव से, मतलब कि पुराने टाइप का। कैरियोट आ रहा है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस पुराने तरीके का हो, न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस एक कवरिंग होती है, अगर आप इसको डीएनए को एक कवरिंग में रख दें वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो जेनेटिक मटेरियल तो हर जगह होगा, वो न्यूक्लियस, वो जेनेटिक मटेरियल के अराउंड जो कवरिंग है वो जिसमें होगी वो प्रोकैरियोट, वो यूकैरियोट, और जिसमें नहीं होगी वो प्रोकैरियोट। तो यही आपका क्या, सिंगल सेल और प्रोकैरियोट एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया, और उस कैटेगरी को नाम दे दिया गया मोनेरा का। अब मान लीजिए भाई, इस मोनेरा से, सिंगल सेल प्रोकैरियोट से एक नया सेल का जन्म हुआ, ठीक है, और ये सेल थी यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी? मान लीजिए एक बहुत बड़ी सेल थी, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बेसिक चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक दूसरी सेल थी आसपास, ओके, वो दूसरी सेल क्या करती है, बोलती है इस बड़ी सेल को कि भाई मैं ना बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो आप मुझे अपने अंदर आने दो, ठीक है, मैं आपके अंदर आऊँगी तो आपको अच्छे से खाना वाना, मतलब एनर्जी बहुत अच्छे से दे पाऊँगी, आप इतने बड़े हो, आप शायद अपने लिए इतनी एनर्जी नहीं बना पा रहे होगे। तो बड़ा सेल बोलता है ठीक है आ जाओ, अब मेरे को क्या परेशानी है, आप आओगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। मगर इसके देखा देखिए एक और सेल बोली कि अच्छा वो आपको एनर्जी दे रही है तो मैं आपको बहुत अच्छा फूड दे पाऊँगी, मैं बहुत हाई मात्रा में बहुत अच्छे से फूड बना सकती हूँ, तो मुझे भी आप अंदर आने दो। तो उसने बोला ठीक है आप भी आ जाओ। तो ये दोनों जो सेल थी, जो बैक्टीरिया थी, वो दोनों के दोनों इस बड़ी सेल के अंदर चली गई, और जब ये अंदर जा रहे थे, दोनों के दोनों सेल जब अंदर जा रही थी, इन्होंने इस बड़े वाले बैक्टीरिया की कवरिंग भी अपने ऊपर ले ली, इसलिए ये डबल मेम्ब्रेनस बन गई। अब आगे चल के देखा जाए तो क्या बने, ये जो एनर्जी दे पा रही था बहुत हायर एफिशिएंसी में, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और जो सेल बहुत फूड बना पा रही थी बहुत हायर कंसंट्रेशन में, वो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, और यही आपकी कहलाती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वो थ्योरी है जो बताती है आपका कि प्रोकैरियोट से आपका पहला यूकैरियोट कैसा बना। तो ये तो हो गया किंगडम मोनेरा, जिसमें कि सिंगल सेल प्रोकैरियोट है, और ये बन गया आपका किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें कि आपके सिंगल सेल यूकैरियोट है। तो अगर इसको दोबारा से देखें तो अब ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया, न्यूक्लियस भी तो होता है जो यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगी। जब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो वो इस तरीके से आपका जेनेटिक मटेरियल को चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करेगी। अब जब कवर करने की कोशिश करेगी तो धीरे धीरे इसके चारों ओर कवर कर लेगी, और वही बन जाएगा आपका न्यूक्लियस। तो एक सेल के अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और यही आपका बन गया पहला सिंगल सेल, मगर ये यूकैरियोट, सिंगल सेल मगर यूकैरियोट, और ये आपका बन गया किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरीके से आपका सिंगल सेल और यूकैरियोट हम पढ़ चुके हैं कि यू आ रहा है ट्रू से और कैरियन आ रहा है न्यूक्लियस से, तो वो सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो वो आपके सिंगल सेल यूकैरियोट हो जाते हैं। तो प्रोकैरियोट से बना आपका सिंगल सेल यूकैरियोट। अब ये जो यूकैरियोट थे वो आगे चल के तीन बेसिक लाइनों में डिवाइड हो गए, वो थे आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। सो प्रोड्यूसर ऑब्वियसली वो सेल, यहाँ पर इन्होंने मल्टी सेलुलरिटी एक्वायर की, तो धीरे धीरे ये जो सिंगल सेल थी मल्टी सेलुलर बनी, और मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी अपने पास रखा और खाना भी खुद बनाने लगी, तो वो आगे चल के क्या बना पूरा एक किंगडम जिसको हम आज प्लांटी के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर्स में हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इसके साथ साथ जितना भी सारे के सारे कंज्यूमर जो कि खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से लेते हैं, वो आपके कंज्यूमर हो गए, और वो आ गए आपके किंगडम एनिमेलिया में। और तीसरा, जो भी जितनी भी चीज़ें
प्रोड्यूस हो रही है प्लांट से, हम जो भी खा रहे हैं उसको दोबारा से अपने बेसिक तत्वों में उसको रिलीज करना है, मतलब डिकम्पोज करना है, तो वो सारा का सारा फंगस पे आ गया, तो वो आपका अगला किंगडम बन गया, किंगडम फंगा है। और यही है आपका फेफ किंगडम क्लासिफिकेशन। तो रटने की जरूरत नहीं है। पहला बना शुरुआत की हमने सिंगल सेल प्रोकैरियोट से, बना आपका मोनेरा, किंगडम मोनेरा। उसके बाद सिंगल सेल यूकैरियोट आपका बना किंगडम प्रोटिस्टा, उससे तीन किंगडम निकले, किंगडम किंगडम प्रांटे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाए। ओके, अब यही है पेज नंबर टू। और इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो ये किया कि मोनेरा था, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक था, उससे आपका सिंगल सेल प्रोटिस्टा बना, सिंगल सेल यूकैरियोट, और वो आप आगे जाके प्लांटे, एनिमेलिया और फंगस में डिवाइड हो गया। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पर ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बोल रहा है। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, आर एच विटेकर इन 1969 प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम दिया। अब आपको रटने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से थे। आपको पता है कि सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से तीन चीज़ें, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर, वो बने आपका फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, ऑब्वियसली जब आप यहाँ से देखिए, पहला क्या बोल रहा है कि सेल स्ट्रक्चर। जब वो मोनेरा से इस पे आया, मोनेरा से किसके ऊपर आया, मोनेरा से आपका आया प्रोटिस्टा के ऊपर, तो सेल स्ट्रक्चर क्या था, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में चेंज हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सा है, मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर में ऑर्गन, टिश्यू, टिश्यू टाइप, वो उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपका खुद खाना बना सकता है या आपका डिपेंड कर रहा है किसी और के ऊपर, तो आपका ये जो ऑटो जो प्रोड्यूसर थे वो खुद खाना बना पा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, प्लांटे। ठीक है, अब इसके बाद रिप्रोडक्शन, आपका ए सेक्शुअल मोड से रिप्रोड्यूस करता है या फिर सेक्शुअल मोड से। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि कौन की, ये फाइलोजेनी होता है, फाइलोजेनी मतलब होता है कि इवोल्यूशन में आप कौन किसके साथ, और ये आपका इवोल्यूशन ही तो हुआ, सिंगल सेल प्रोकैरियोट से सिंगल सेल यूकैरियोट और उससे आगे चल करके, ये इवोल्यूशन की लाइन ही तो है कि जब अर्थ बनी तो पहली सिंगल सेल कैसी थी, प्रोकैरियोटिक थी, और आज की डेट में हम खुद यहाँ एनिमेलिया में खुद मौजूद हैं। तो ये क्राइटेरियाज उसने इस्तेमाल किया, इन्हीं क्राइटेरियाज को आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर अच्छे से। सो लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंड द इशू कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं और पता करते हैं कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें रही जिसने इसको बनने पर मजबूर किया कि आज इस तरीके से मौजूद है ये। That influenced the classification system. Earlier, पहले क्या होता था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, कि सिंपल से बोल रहे हैं कि जितने भी एक्सेप्शंस थे ना, उन्होंने नई कैटेगरीज को जन्म दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या किया जा रहा था कि जितने भी बैक्टीरिया थे क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो भी बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गे थे, फंगस थे, मॉजेस थे, फर्न थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी के सभी एक ही कैटेगरी में थे और वो था प्लांट। जबकि हम अब जानते हैं कि फंगस क्या होता है, फंगस खाना खुद नहीं बना सकता, तो हम उसको प्लांट में नहीं रख सकते, तो उसको अलग से कैटेगरी बना के देना पड़ेगा। तो एक्सेप्शंस जो थे नई कैटेगरी को उसने जन्म दिया। अब द कैरेक्टरिस्टिक दे अनआइडेंटिफाइड यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अ सेल वॉल इन द सेल, कि ये जो ऑर्गेनिज्म से जो कि आपका एक ही उसमें आ रहे हैं, उनके एक सेल वॉल होती है उनके ऊपर। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी तरीके से चीज़ें एक दूसरे से अंतर करने लगे। इट ब्रॉड टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट, और इसी की वजह से पहले की बात है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पूरा का पूरा पैराग्राफ और इससे आगे का जो अगला पेज पे जो पैराग्राफ है वो केवल इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो चीज़ें एक साथ नहीं रखनी चाहिए थी, जैसे कि फंगस को प्लांट के साथ नहीं रखना चाहिए था क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जन्म हुआ। ये पूरे में यही बोलता रहेगा कि ये इसको इसके साथ रख दिया, आपको ये समझने में कन्फ्यूजन होगी पढ़ेंगे जब आप, क्योंकि आप इनको नहीं जानते हैं। आप ये अगर क्लेमाइडोमोनास है जो कि धोनी है, आप धोनी को जानते हैं इसलिए उसके बारे में कुछ भी सुनेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लेमाइडोमोनास के बारे में अगर मैं अभी कुछ बोलूँगा तो आपको बड़ा ऐसा ऑकवर्ड सा लगेगा कि पता तो है नहीं कुछ भी। तो अभी इस पर्टिकुलर जो दो पैराग्राफ्स है उसमें से यही आइडिया लेके जाइए कि बोल रहे कि जो चीज़ें साथ नहीं रहनी चाहिए थी साथ कर दी गई,
इसके बाद जब धीरे धीरे चीज़ें पता लगनी शुरू हुई तो उनको धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में डालना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोट और द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट, कि यूकैरियोट के संग प्रोकैरियोट को रखा गया था जो कि सही नहीं था। अब इट्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेल्युलर वन, कि ये मल्टीसेल्युलर हैं ये यूनिसेल्युलर हैं, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया। ये आपका प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोटिक है, इन दोनों को साथ रख दिया गया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड द स्पायरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द एल्गे, वो क्या एल्गे के अंदर रखे हुए थे। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप, के जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे लाइक फंगस, उनको भी प्लांट के अंदर रखा हुआ था। एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स दो दे ऑल्सो शोड द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। और यही नहीं कि केवल मतलब ऑब्वियसली एक ही क्राइटेरिया पे तो से क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा है ना, बोल रहे कि सेल वॉल भी अलग अलग थी। अब प्लांट की सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, और आपका फंगस की सेल वॉल होती है काइटिन की, तो उन दोनों को भी साथ में रख रखा था। बेसिकली इन दो पैराग्राफ्स में आपको अलग अलग एग्जाम्पल थोक के भाव में दिए गए हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आखिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों थी, और इससे पहले किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स को साथ में नहीं रखा होना चाहिए था उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो साथ में रखे गए थे। ओके सो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर, जब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को धीरे धीरे कंसिडर किया गया सेल वॉल को, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो पता चला कि भाई फंगस को अलग स्थान देना ही पड़ेगा। द फंगाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई, और यही हमने देखा था कि फंजाई को सेपरेट किंगडम क्यों मिला। अब ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर इनटू वन पर्टिकुलर किंगडम, कि जितने भी सिंगल सेल्युलर सिंगल सेल थे, पहला बिल्कुल जो हमने डिस्कस किया है अभी वही है कि जो सिंगल सेल थे और प्रोकैरियोटिक थे उनको मोनेरा किंगडम में रख दिया गया, और जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। अब यही फिर दोबारा से एग्जाम्पल देगा आपको, आपको याद रखे नए रहे बाद में धीरे धीरे आपको आगे चल के ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो चीज़ें साथ रहनी चाहिए थी वो साथ नहीं थी, वो अलग अलग थी, लेकिन जब किंगडम प्रोटिस्टा आया तो उसमें जो केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक वाले जो चीज़ें थी उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ओके, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्ली क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। पहले क्या था, जो चीज़ें अलग अलग में थी उनको एक में लाया गया, जो अलग अलग में थी उनको एक में लाया गया, जो एक में थी उनको अलग अलग में भेजा गया, मतलब कि बेसिकली रीशफलिंग किया गया कि आपका ताकि सही चीज़ अपनी सही जगह पहुंच सके, और ये हुआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की वजह से अप अंडिल के जब ये हुआ था। ऑब्वियसली अभी हम उससे आगे बढ़ चुके हैं कि दिस हैपन्ड बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन चेंज। आपका जैसे 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 एडवांसमेंट हुई, नई नई चीज़ें आपके सामने आई, और उन नई चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए आपने चीज़ों को उनके रिस्पेक्टिव स्थान पर भेजना शुरू किया, मगर ये प्रोसेस रुका तो नहीं है ना। द काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन टू द फ्यूचर टू, कि ये सब चीज़ें फ्यूचर में भी होंगी डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट एंड द एन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चीज़ किसी से कितनी अच्छी मेलजोल खाती हुई दिखे या कितनी भी अलग दिखे, अल्टीमेटली जो लिटमस टेस्ट है, अल्टीमेटली जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होना है, वो है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को ऊपर लाने की कोशिश की गई, विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मोर्फोलॉजिकल एंड द रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी बट ऑल्सो द फाइलोजेनेटिक्स। तो यही बोल रहा है कि केवल बाहर से कैसे दिख रहा है ज़रूरी नहीं, अंदर से कैसे दिख रहा है ज़रूरी नहीं, कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है ज़रूरी नहीं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं सेल लेवल पे ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है एक चीज़ कि वो अपने पूर्वज से, अपने साथी सेल से एक किस तरीके से रिलेशनशिप में था अपने फाइलोजेनी के हिसाब से, मतलब इवोल्यूशन में उनका क्या स्थान था। तो जब अगर मैं इसको एक तस्वीर के भरोसे से दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, वो आगे जाके ऐसे इवॉल्व किया, दो बनाया, और दो बनाने के बाद फिर वो आगे इवॉल्व किया, कुछ तीन चार और बनाया मान लीजिए, यहाँ से फिर इवॉल्व किया। तो हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ जिस तरीके से इवॉल्व हुई थी इसकी एक कैटेगरी बनाई जाए, क्योंकि ये चीज़ इसी चीज़ से इवॉल्व हो रही है, यही कहलाता है फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, इवोल्यूशनरी
हिस्ट्री। और आज की डेट में हम जानते हैं कि सीक्वेंसिंग एक वो मेथड बन गया है जिससे कि आप डायरेक्टली इस पर चोट कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर इसको इवोल्यूशनरी ट्री बनाने के लिए। ओके, सो इन दिस चैप्टर लाइक वी विल स्टडी द कैरेक्टर। ओके, ये तो हो गया हमारा सारा का सारा बेसिक फंडा क्लियर कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था क्या। अब हम शुरुआत कर रहे हैं जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ऑल दो जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के आगे चल करके कार्ल वूस ने आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके थ्री डोमेन सिस्टम में चेंज कर दिया गया। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के लेवल पे नहीं हैं, जो कि हम देखेंगे अपने नीट के लेवल के वीडियोज़ में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि अब हमको पढ़ना है मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या किंगडम है और मोनेरा में किस तरीके से, एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न, मोनेरा है। मोनेरा आगे जाके प्रोटिस्टा में डेवलप होता है और प्रोटिस्टा आगे जाके तीन चीज़ों में मेनली डेवलप होता है, वो है आपका प्लांट, फंगस और आपका एनिमल। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें देखना है थोड़ा सा डिटेलिंग में मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और थोड़ा सा फंगाई के बारे में, क्योंकि आपका प्लांट और एनिमल के लिए अलग चैप्टर दिया हुआ है पहले से। आगे